प्रताप सिंह, आज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कितना भी बड़ा से बड़ा मल्टीप्लाई हो आप 3 से 4 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। लेकिन अभी तो मैं बताऊं चलो मार्कर से। देखिए जैसे कि मैंने एग्जांपल के रूप में दिया 9999 मल्टीप्लाई बाय 7041, इससे दे दिया मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए। तो इसका आंसर देखिए जितनी जल्दी मैं करूंगा उतनी जल्दी आप भी करेंगे, शायद तो उससे जल्दी कर लें आप। इसका आंसर ये होगा, ऐसे निकाल लेंगे आप, देख के बस ऐसे निकाल लेंगे सीधे सीधे, कुछ भी आपको झंझट इसमें नहीं करना है बिल्कुल भी। इसका आंसर ये आएगा और आप ऐसे ही निकालेंगे, शायद कभी मैं जब ट्रिक बताऊंगा आपको तो इतनी जल्दी आप भी निकालेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करेंगे फिर उससे मैं और भी वीडियो डालूंगा तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं कि कैसे करना है। जो मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था तो अब बताते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखिए जैसे मैंने दिया 9999 मल्टीप्लाई बाई 4321, वन कुछ भी करो, चलो ये दे दिया, ये इससे मल्टीप्लाई करना है, किससे इससे मल्टीप्लाई। तो अब कैसे करना है देखिए, पहले हम क्या करेंगे जिससे मल्टीप्लाई करना है तो उसमें हम वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या करेंगे वन सब्ट्रैक्ट, तो कितना बचेगा वन सब्ट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे 4320 तो ये बचेगा इसमें। अब क्या करना है, जो ये डिजिट है इससे सब्ट्रैक्ट करना है 9999, अब ये इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4320 इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 97 और यहाँ पे जब करेंगे 6 और 5, और जो ये आया था ये फिर से लिख देंगे यहाँ पे 4320 और आपका ये आंसर हो गया। एक बार मैं और बता देता हूँ, एक यही क्वेश्चन इसी टाइप का थोड़ा सही से, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया एक 9 और बढ़ा देते हैं यहाँ पे, हम यहाँ दे दिया 53286, अभी हमने दे दिया मल्टीप्लाई, अब आपको करना है तो क्या करना है देखिए, पहले आपको ये इससे एक सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है एक सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे, तो एक सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा यहाँ पे 53285, सब्ट्रैक्ट तो कर लेंगे ना, कि सब्ट्रैक्ट भी आपको सिखाना पड़ेगा, इतना तो हो जाएगा तो सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब क्या करना है, अब इससे जो ये आई है वैल्यू इससे सब्ट्रैक्ट करनी है, तो इससे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा वो देखते हैं, अभी यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 8235, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 7, 6 और यहाँ पे 4, और फिर यही वैल्यू लिख देनी है तो 58235 ये आंसर हो गया। अब देखिए बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बिना पेन उठाए बस आपको मन में कर लेना है, अगर आप मन में नंबर को याद रख सकते हैं तो मन में कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, इस टाइप का मल्टीप्लाई आया इस टाइप का, तो आपको क्या करना है पहले तो एक सब्ट्रैक्ट करना है, इससे मन में सोच लिया इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमने सोच लिया कितना हो गया होगा 5, इसकी जगह 6 की जगह 5 हो गया होगा। अब क्या करना है, यही जो वैल्यू है इसी को हमें लिख देना है यहाँ पे, इसको हमें लिख देना, तो कितना आया 53285, ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, क्या करा इस वैल्यू को लिख दिया। अब इसी वैल्यू को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, किससे करेंगे इस वैल्यू इससे, तो सीधे सीधे आंसर लिखते रहेंगे, जैसे इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इससे जब करेंगे तो 6 हो जाएगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा, अगर ना आया हो तो इसे आप रिपीट करके भी फिर से देख सकते हैं। लेकिन एक चीज और है, अगर उस टाइप का आया तो आप कहेंगे ये तो बताया नहीं था, तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए भी बता देते हैं आपको किस तरीके से करना है। देखिए जैसे अभी क्या था, यहाँ पे 5 डिजिट थे, यहाँ पे भी 5 डिजिट है, कितने 5 डिजिट, अगर यहाँ पे 5 डिजिट और यहाँ पे 4 डिजिट आते तब कैसे करना है, चलो हम इसको एक कम कर देते हैं, एक कम कर दिए तब कैसे करना है देखिए, तो क्या करना है यहाँ 5 डिजिट है तो इसके आगे हम इसे 0 कर लेंगे, 5 डिजिट बनाने के लिए इसके आगे 0 लगा देंगे, क्या कर लेंगे 0, तो इसे हमने लिख लिया यहाँ पे, फिर सब्ट्रैक्ट वही चीज वही करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और 05327 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे लास्ट डिजिट से, जब ये वैल्यू आई अब क्या करेंगे इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे, तो जब इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा देखिए 9999, अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है 235 और ये 0 जो है ये 0 यहाँ पे लगा देंगे बराबर करने के लिए और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 2764
और 9 ये आ गया, और क्या जो ये वैल्यू है इसी को रख देंगे यहाँ पे 7 2 3 5 और ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। वैसे तो आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो पता क्या होगा, आपके जो बच्चे होंगे और आपके बच्चे अपनी मम्मी से कहेंगे मम्मी मम्मी मुझे कार्टून देखना है, तो मम्मी ये कहेंगी कि बेटा कार्टून ना देखो अपने बाप को देख लो, क्योंकि जब आप ये नहीं समझ पाए होंगे तो आप कार्टून है इसका मतलब, तो आप ये समझ चुके होंगे। एक इसके लिए मैं और बता देता हूँ बात आपको, कंडीशन मतलब इसका एक्सेप्शन क्या है कि देखिए जैसे ये लिखा है ये वैल्यू जो लिखी है जितने डिजिट इसमें है इतने डिजिट इस साइड होना चाहिए या उससे कम होने चाहिए, उससे ज्यादा डिजिट नहीं होने चाहिए, क्या जितने डिजिट यहाँ पे उतने ही डिजिट यहाँ पे हो या उससे कम हो। जैसे आपके अंदर अब देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है 99,999 ये लिखा है, तो इससे बड़ी वैल्यू साइड ना होना चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए, चाहे एक नंबर कम भले जो। तो आपको ये समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। और एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे सकते हैं। इसका मैंने क्वेश्चन ये आपको लिख दिया है और इसका आंसर दें। अगर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, इसका मतलब आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप कार्टून इसका मतलब, तो ये आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा और भी नई शॉर्ट ट्रिक होगी वो मैं आपको दूंगा। और एक कैलेंडर की शॉर्ट ट्रिक मैं जल्दी लाने वाला हूं, जिसे आप 4 से 5 सेकंड में बता देंगे कि इस डेट को कौन सा दिन था, इस डेट को कौन सा दिन था, कोई भी डेट बताई जाएगी और आप उसका दिन तुरंत बता देंगे। Close till I get up, time is barely on our side.